बहुजन समाज पार्टी के भोपाल जोनल प्रभारी ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरक्षित वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित करने पर जताई आपत्ति। सीएम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के भोपाल जोनल प्रभारी बीएल वंशकार और उनके साथियों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों ग्राम पिपलानी में हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरक्षित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी को लेकर एक ज्ञापन के जरिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी जाने की मांग की है। ऐसा न होने की सूरत में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, साथ ही साथ उग्र आंदोलन भी किए जाएंगे। मेरा नाम जानकी प्रसाद अहरवार है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो बहन है, क्या नाम है बहन? प्रीति बाई, जो सरोंज विधानसभा के अंतर्गत एक पामाखेड़ी ग्राम है, वहाँ पर रहती हैं। इन्होंने पार्टी को एक लिखित आवेदन दिया है जो कुछ दिन पहले इनके परिवार वालों ने इनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया। जमीन ना देने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली और वहाँ के कुछ भाजपा नेता दरियाव सिंह वगैरह, एक किन्नर सिंह कुर्मी वगैरह, इमरत सिंह द्वारा वहाँ पे पंचायत करके गोलमाल करके, जिला पंचायत सदस्य हैं वो, उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत के, उन्होंने दबाव बना करके वहाँ सामूहिक समझौता करवा दिया, ना तो PM करवाया। तो इसके खिलाफ में आज इन्होंने हमें बहुजन समाज पार्टी के लिए आवेदन दिया है लिखित तौर पे। हम शासन प्रशासन से मांग करने के लिए अभी SP साहब को हम अभी लिखित में ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे और यदि वहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम वहाँ पर थाने का घेराव कर और SP साहब का भी इधर हम घेराव कर, ऑफिस का घेराव करके उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक इस पीड़ित बहना को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं।